हेलो दोस्तों, तो आज है अपने पास थार। आई एम रवि तोमर इन यू वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महिंद्रा की थार और ये टॉप एंड वेरिएंट है एम होक डीजल में ऑटोमेटिक हार्ड टॉप के साथ में। बहुत गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगती है, देखिए लुक देखिए। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको ये टिपिकल महिंद्रा की ग्रिल मिल जाती है, नॉर्मल आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं, हेडलाइट्स इनको आप कन्वर्ट भी करा सकते हो या तो शोरूम से या आफ्टर मार्केट कहीं से भी। ये जो दिख रहा है ये आपको एसेसरीज का पार्ट है, बड़ा सा महिंद्रा का यहाँ पे बेचा आ जाता है। रेडिएटर यहाँ पे ही फ्रंट से दिखता है। ग्रिल हालांकि मैट में मिलती है, ग्लोसी फिनिश में नहीं है, इस तरह से आपको फ्रंट मिलने वाला है। वहीं नीचे अंडरनीथ बात करें तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर प्लेस है फेंडर पर इस साइड पर फ्रंट के बम्पर पे ऊपर। गाड़ी फर्स्ट से मतलब फ्रंट से देखने पे बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है, पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है और बहुत ही डेसिंग लुक आता है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से इंजन रेडिएटर प्रोटेक्टर ग्रिल दी है जो कि प्लास्टिक में है, आप आफ्टर मार्केट मेटल का वगैरह लगवा सकते हो। तो इस तरह से आपको टोटल इसका फ्रंट मिलने वाला है। हालाँकि गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि स्टॉक यार्ड में पड़ी हुई थी इसलिए। तो अब बढ़ते हैं इसके साइड पे और देखते हैं साइड पे कैसा है। यहाँ पे आपको बोनट के हिंजेस मिल जाते हैं, बहुत ही हैवी है तो इस वजह से हिंजेस देखिए कितने स्ट्रॉन्ग और रगेड दिए हैं। आपको वाइपर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको इंजन के लिए एयर के लिए कट्स दिए हैं। साइड पे आए तो ये गाड़ी की पूरी लेंथ है। अब देखिए सबसे पहले नज़र जाती है तो इसके बड़े से जंकी टायर के ऊपर 255, 65 18 इंच के टायर मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये ऑल टेरेन टायर हैं जो कि आप किसी भी बेहतर कंडीशन में चला सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे और पीछे आपको नॉर्मली ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं। आपको फुट स्टेप कंपनी फिटेड मिल जाती है, ये आपको आफ्टर मार्केट कराने की ज़रूरत नहीं है। ORBM मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। थार की बैचिंग, हालांकि थार की बैचिंग आपको जगह जगह पे मिल जाएगी, यहाँ पे थार की बैचिंग। और ये हिंजेस देखिए अगेन, ये क्रोम, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। नॉर्मल इसमें की मिलती है आपको, यहाँ पे इसका स्विच मिल जाएगा। डोर हैंडल नॉर्मल मिलेगा। 4x4 की बैचिंग जो असली टेस्ट है थार का वो ये है मेन। बॉडी ग्लाइडिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग दी है, इतनी बड़ी सी, जिसकी वजह से आपको कम्प्लीटली लुक आता है और हार्ड कोर ऑफ रोडर। और ये हार्ड टॉप में है तो ऊपर हार्ड टॉप दिया है। और इसके फिनिश की बात करें तो ये मैट में है और नीचे आपको ग्लोसी मिलेगा। ये पेंट क्वालिटी भी हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपको साइड मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस देखिए कितना ज़्यादा है, एडिक्वेट है मतलब आपके ऑफ रोडिंग के लिए और हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही गाड़ी डिजाइन की है। हालांकि अब थोड़ी थोड़ी अर्बन के हिसाब से भी डिजाइन की है क्योंकि पहले जो थार आती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती थी, तो जिस वजह से लोग प्रेफर कम करते थे। और अभी वो सारी कमियाँ दूर कर दी हैं, अभी इसको ऐसे बना दिया जो सिटी में रहता है वो भी ले सकता है और ईजीली बहुत अच्छा कम्फर्ट इसमें मिलने लगा है पहले के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं इसके बैग में और देखते हैं बैग में क्या कुछ बदलाव है। बैक में अराउंड आपको जो क्लैडिंग दिखेगी ब्लैक, वो अराउंड जाती है कार के चारों तरफ से, काफ़ी सही लगती है। बैक में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टायर, इतना बड़ा सा ह्यूज टायर जो कि लुक बहुत ही स्टनिंग लुक देता है इस गाड़ी को। सेम साइज़ मिलने वाला है, ताकि नॉर्मली गाड़ियों में सेम साइज़ नहीं मिलता है पर ये बहुत ही सही लगता है। फुल साइज़ दिया है क्योंकि यह हार्ड कोरिंग ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो इस वजह से यहाँ आपको टेल लाइट मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थार की बैजिंग यूनिक टाइप से दिया है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं एंड दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाते हैं, वाइपर की इसमें नहीं है वाइपर और वॉशर, बाकी आपको डिफोगर मिल जाता है। ऑटोमेटिक की बैजिंग और ये आपको हिंजेस दिए हैं। नहीं, अब बात करें इसके डोर की पीछे के, तो यहाँ से ओपन कर सकते हो इस तरह से, बहुत ही हैवी फील होता है।
यहाँ पे आपको कवरिंग दी है, ये आपको मिरर के लिए इस तरह से, तो आप इसको ओपन कर सकते हो एक दो टाइप से। तो यहाँ पे हिंजेस दिए हैं और इतना आपको बूट मिल जाता है। हालांकि बूट इसमें बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि सीट अगर ओपन की हुई है तो बूट तो आपको छोटा सा एकदम डफेल, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक चीज़ है जो इस गाड़ी की माननी पड़ेगी, ठीक है, टेलगेट है इसका और इस पर यहाँ पर इतना हैवी टायर माउंट है, उसके बावजूद भी मतलब कोई भी वाइब्रेशन नहीं है इस तरह से जैसे हम लोग करते हैं। ये देखिए, तो इसे बोलते हैं बिल्ड क्वालिटी, कोई भी वाइब्रेशन 0% भी नहीं है और ना ही कोई आपको आवाज़ आने वाली है ड्राइविंग के टाइम पे। इतना स्ट्रॉन्ग माउंट किया है, उसके हिंजेस को इतना स्ट्रॉन्गली डिजाइन किया गया है जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगेन आपको अंदर से दिखाऊं, लाइक दिस, लाइक कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी क्वालिटी को थोड़ा, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बायर ओपन है और ये तो दोनों साइड पे, ये देखो यहाँ पे, पर थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट पहले से काफ़ी अच्छा किया है। तो ये कंप्लीट इसका बैक मिल जाता है आपको कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि फ्यूल टैंक की बात करें तो सेंट्रली माउंट है यहाँ पे आपको। और इस गाड़ी में सेफ्टी के भी बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं, हील होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल, दो एयरबैग मिल जाते हैं और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये आती है महिंद्रा की थार, जो कि ग्लोबल NCAP ने क्रेस्टा इसमें टेस्ट किया हुआ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक नॉर्मल मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं अंदर कैसा क्या कुछ मिलता है। अगेन डोर ओपन करते ही मतलब जो बिल्ड क्वालिटी फील होती है वो काबिले तारीफ है पहले के अकॉर्डिंग। ये आपको फ्रंट का डोर ट्रिम मिल जाता है, ORBM के कंट्रोलर, थार की बैजिंग, हालांकि थार की बैजिंग बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलने वाली है, ये आपको ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे कुछ बोतल होल्डर वगैरह की प्लेसिंग मिल जाती है, तो ये आपको कंप्लीट डोर ट्रिम मिलने वाला है फ्रंट का। और क्वालिटी देखिए पहले की तरह नहीं है, मतलब जो खड़खड़ की आवाज़ आती है वन टाइम में ऐसा फील होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग फील होता है, जैसे कि आप कोई महंगी गाड़ी के लिए, बहुत ही महंगी गाड़ी के लिए जा रहे हैं। अंदर की बात करें तो अंदर ये आपको सीटिंग मिल जाती है, जो कि मैनुअली हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। सीट आपको डुअल टोन में महिंद्रा बोलती है, फैब्रिक और लेदर, हालांकि ये लेदर नहीं रेगजिन जैसा है, बट ये डुअल टोन में मिल जाती है। थार की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। अब चलते हैं इसके अंदर, चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हाइट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर फुटरेस्ट का ऑप्शन भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सारे यहाँ पे, हेडलाइट के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं और ये आपको AC वेंट्स मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से मिलता है, हालांकि महिंद्रा का पुराना वाला लोगो ही इस पर मिलने वाला है, XUV700 पे आपको नया वाला लोगो मिलता है। क्रूज कंट्रोल और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, AC वेंट्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार के लिए को भी सपोर्ट करता है, तो अगेन बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। मेन जो चीज़ है वो ये है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद 4x4, तो ये देखिए 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल 4 लो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। पावर विंडो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आपको डोर पर नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा डोर पे दे देते हो ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इसमें कोई भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको सेंटर कंसोल इसका मिलता है। साइड पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का बैज मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको मेडिकल किट वगैरह थोड़ी सी रख सकते हो। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते, 4 स्पीकर मिल जाते हैं 2 ट्विटर के साथ में। यहाँ पर छोटी सी लाइट मिल जाती है सेंट्रल माउंट, और ये हार्ड टॉप है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है, इसके ऊपर बंदा खड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे वारंटी मिरर नहीं मिलता है, इस साइड पे वारंटी मिरर मिल जाता है, हालांकि IRBM ऑटो डिमिंग के साथ देना चाहिए था, ये मैनुअली दिया है, इतना है। सीट का कम्फर्ट सही है काफ़ी, मतलब बैठने पर ऐसा फील नहीं होता है, मतलब बोरिंग टाइप या फिर आपको थकान वगैरह महसूस नहीं होगी डेफिनेटली। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
कैसा क्या एमआईडी मिलती है आपको। तो ये देखिए इसका एनिमेशन देखिए थार का कैसा मस्त लगता है। अभी यहाँ पे देखिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देने लगा है। क्या आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, ये स्पीडोमीटर मिल जाता है, ये एमआईडी मिलती है। इसमें आपको सब कुछ आपको मिलने वाला है। कैबिन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। टच रिस्पॉन्स की बात करें बहुत सही है और ये वाटर प्रूफ बोलती है महिंद्रा, क्योंकि कन्वर्टेबल में भी आती है तो वाटर का ऐसा इशू इसमें नहीं देखा गया है। और टच रिस्पॉन्स की बात करें तो काफ़ी सही है। और एसी की बात करें तो एसी की कूलिंग वगैरह भी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो कूलिंग में भी ऐसा कोई खास इशू है नहीं, बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है। हालांकि पीछे कोई भी आपको एसी वेंट्स नहीं है, पीछे की सीट पे चलते हैं फिर बताते हैं आपको। तो ये सब फ्रंट का है और ये ऑटोमेटिक है। तो ये देखिए आपको ऑटोमेटिक दो ही, आपको ये ओनली ब्रेक और एक्सीलेटर दो ही चीज़ें आती हैं, क्लच नहीं आता है। इसमें एक चीज़ की कमी कर दी है महिंद्रा ने, यहाँ पे आपको फुट रेस्ट देना चाहिए था। हालांकि मैनुअल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती फुट रेस्ट की, बट ऑटोमेटिक में तो पड़ती ही है, ऑटोमेटिक में फुट रेस्ट देना ही चाहिए। तो ये कम्प्लीट आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है। और अब चलते हैं इसके पीछे की सीट पर, देखते हैं पीछे कैसा क्या कम्फर्ट है। अब इसमें पीछे जाना थोड़ा मशक्क़त का काम है, क्योंकि यहाँ से आपने ये पुल किया तो ये इतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, तो अपने को इतने से ही अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा दिक्कत की बात है भाई, हालांकि कोई एजेड इंसान है उसके लिए तकलीफ हो सकती है। अब ये सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट की हुई थी, उसके बाद कम्फर्ट देखो। हालांकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 5'6" है, तो मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। और ये सीट मैंने पूरी रिक्लाइन की हुई है, इसको कम भी कर सकते हो आप, तो आपको बूट स्पेस थोड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। ग्रैब करने के लिए यहाँ पे हैंडल मिल जाता है। और ये देखिए ये दिए गए हैं पाइप्स गाड़ी के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सीट बेल्ट मिल जाते हैं आपको पीछे की सीट पर, और दो ही सीटिंग मिलती हैं पीछे, आपको तीन नहीं मिलने वाली। तो इसमें चार लोग आसानी से जा सकते हैं, पर जो ज़्यादा हाइटेड लोग होंगे वो नहीं जा सकते। पर अगर ज़्यादा हाइटेड लोग होंगे तो उनको लिए यहाँ पे तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलने वाला लेग रूम, जबकि खासकर आगे के जो लोग दोनों लोग बैठे होंगे, सीट पीछे की हुई होगी और लगेज में थोड़ा बहुत सामान भी होगा, तो आपको इतना अच्छा खासा स्पेस नहीं मिलेगा। बट ओके है, गाड़ी बहुत ही सही है, पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव की है, और ड्राइविंग में भी बहुत ही लाजवाब हो गई है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया है, और धीरे धीरे आने वाले अपडेट्स में और भी इम्प्रूव करेगी महिंद्रा। हालांकि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आई है इस गाड़ी की, तो आपको सोचने की बात नहीं है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इंजन इसमें डीजल इंजन है जो कि एम होग जिसको नाम दिया है, जो पेट्रोल है उसको एम स्टॉलिन बोलती है महिंद्रा। तो अभी इसमें इंजन की बात करें तो 2200cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 130 bhp का पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल है इस गाड़ी के लिए। और प्राइसिंग की बात करें इस गाड़ी की, एक शोरूम तो 15,53,000 एक शोरूम है, ऑन रोड आपको लगभग 17.5-18 लाख तक मिल जाएगी ये गाड़ी। आप बताइए आपको कैसी लगी। हालांकि ये गाड़ी सबका ड्रीम होता ही है, नॉर्मली मेरा भी है डेफिनेटली, तो बोलने की बात है ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप वडोदरा में रहते हैं और महिंद्रा की कार सर्च कर रहे हैं, तो आइए महिंद्रा कारवेल में छानी, और जिसकी डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, कॉन्टैक्ट और एड्रेस सब कुछ, तो आइए, बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और ऑफर वगैरह भी जो भी वेस्ट टू वेस्ट होगा आपको वेस्ट डील प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी हमने कवर करना था वो सब ऑलमोस्ट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।